वहाँ देख के गई थी, और फिर मैं अभी 10:30 हो रहे आ रहा हूँ और एग्जैक्टली सेम है. आई डोंट नो हुआ क्या है, बट आगे कुछ हुआ तो है, लेकिन देख पता चलेगा जब मैं थोड़ा आगे और आ जाऊँगी. मैं फ्यूल करवाने के लिए गैस स्टेशन पर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अनेबल टू प्रोसेस. वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. सो अभी मैं अपने घर से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, और मैं निकलने लगी हूँ काम पे. अब थोड़ी ठंड सी हो गई है, जैसे लास्ट वीक इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अब थोड़ी सी ठंड हो गई है. सो अच्छा है ठंड हो गई, बिकॉज मुझे ठंड ही पसंद है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं पसंद. मैं फ्यूल करवाने के लिए गैस स्टेशन पर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अनेबल टू प्रोसेस पेमेंट, सिस्टम प्रॉब्लम. अब मैं जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ के हर एक इस पर यही लिख रहा होगा. तो अभी मैं ना ट्राई करती हूँ और मैं निकलती हूँ यहाँ से, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करती हूँ आकर. ये मैं अभी आई हूँ एक कंपनी में, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे इनका बैकअप का क्या सीन होने वाला है. मैं जस्ट ऐसे ही एंट्री करके आ गई, और ये पूरी यहाँ पे कंपनी में ना जस्ट वो है जो क्रेन्स होती हैं, और जो कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, वो सामने क्रेन है, कंस्ट्रक्शन के वर्क होता है जो, बस यही सब कुछ है. अभी देखती हूँ यहाँ पे, ये ट्रक को मैं फॉलो करते हुए अंदर आ गई, मुझे कोई आइडिया नहीं था वैसे तो, बट मैंने इस ट्रक को फॉलो किया. सो आई थिंक मुझे इस ट्रक का वेट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है. मुझे ना थोड़ा पीछे ही लगा लेना चाहिए ट्रक को, और वेट करना चाहिए ये वाला ट्रक ड्राइवर जब निकल जाएगा तब मैं आऊँगी. तो यहाँ पे इस पूरी कंपनी में ना, जैसे वो येलो कलर की जो क्रेन है या फिर कंस्ट्रक्शन की जो मशीनें हैं, उसी का ही काम होता है. पहले इस ट्रक ड्राइवर को निकलने देती हूँ, फिर मैं एंट्री करूँगी. मैं जैसे ही लाई हूँ अपना ट्रक, मैं पीछे ही लेके जा रही हूँ. वेट करते हैं, अंदर जाके देखती हूँ पहले. मुझे इतनी नींद सी आ रही है ना, इतनी ज़्यादा नींद सी, बिकॉज मैं आज मंडे है और मैं ढंग से ना सो रही, मतलब सोई थी, बट फिर मेरी आँख खुल गई थी 3:30 बजे के आसपास, फिर मुझे नींद नहीं आई थी बहुत टाइम तक. तो अभी ना नींद सी आ रही है. मैं देख रही हूँ कि कहीं कोई जगह मिल जाए, जैसे कि ना जहाँ पे डिलीवरी का ज़्यादा टाइम लगे या कुछ, तो वहाँ बैठ के आराम से थोड़ी देर सो जाऊँ. सो मॉर्निंग से ना यहाँ पर इतना भयानक ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना ज़्यादा, मतलब मैं जब से आई हूँ ना तब से ये ट्रैफिक ऐसे ही है, ना हिल रहा है ना कुछ है, मतलब कोई भी आगे कार नहीं जा रही है ना ट्रक, पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पर, बट आगे ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद किया हुआ है. और मुझे भी इसी ही लेन से, वो तो अच्छा है मुझे सर्विस लेन से जाना है, बट हाईवे का तो हाल ही बहुत बुरा है यहाँ पर, आज बहुत ज़्यादा बुरा है. आई डोंट नो क्या हुआ है, बट मॉर्निंग के 7:30 से ऐसे ही बना हुआ है सारा ट्रैफिक, सब कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल सेम, ना कुछ इम्प्रूवमेंट है इस ट्रैफिक में. मैं सुबह देख के गई थी, और फिर मैं अभी 10:30 हो रहे आ रहा हूँ, और एग्जैक्टली सेम है. आई डोंट नो हुआ क्या है, बट आगे कुछ हुआ तो है, लेकिन देख पता चलेगा जब मैं थोड़ा आगे और आ जाऊँगी. मुझे एक्चुअली डिलीवरी मिली है लोकल की, मुझे लोकल की डिलीवरियाँ मिली हैं. सो उसको करने में मेरे को एक छोटे से रास्ते को 2-3 किलोमीटर के 20 से 30 मिनट लग रहे हैं. ऐसा ही है यहाँ का, आज कुछ खास ज़्यादा ही हो गया, मतलब ऐसे इतना होता नहीं है. मॉन्ट्रियल में तो वैसे होता ही है ये सब, कंस्ट्रक्शन हर जगह, बट इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, कोई आइडिया नहीं है. ये येलो कलर के एरो लगा रखे हैं इन्होंने कि आगे निकले, मतलब ये लेन्स बंद कर रखी हैं, बट रीज़न क्या है लेन बंद करने का इतना कुछ खास पता नहीं. कोई एक्सीडेंट हुआ है, बिकॉज वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पुलिस भी खड़ी है, लेकिन एक्सीडेंट सुबह 7:30 से अब तक एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, पता नहीं, बट पुलिस भी है वहाँ पर. ओके, मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन करके ना इन्होंने एग्जिट ही बंद कर दिया है, कंस्ट्रक्शन है एक्चुअली, इन्होंने जो एग्जिट है वो ही क्लोज कर दिया है, बीच में लगा रखा है इन्होंने. सो मेन कंस्ट्रक्शन है यहाँ की प्रॉब्लम.
कंस्ट्रक्शन के करके ही ना लेन्स बंद कर दिए हैं। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन भी नहीं, इन्होंने पूरा हाईवे ही बंद कर रखा है, ये इन्होंने पूरे हाईवे को बंद कर रखा है पीछे से ही। इसका रीज़न नहीं पता मुझे कि क्या हो सकता है, बट इन्होंने हाईवे बंद कर रखा है। वेल, मुझे यहाँ से करनी है पिकअप, और ये जगह जो है ये मॉन्ट्रियल से अराउंड 60 किलोमीटर्स होगी, 50-60 किलोमीटर। और यहाँ पर ये जो ट्रक लगा हुआ है, जब ये ट्रक निकल जाएगा तब मुझे यहाँ पर बैकअप करनी है सड़क से ही, जो ऐसे छोटी सी ही सड़क है, रोड है। और यहाँ पर मोस्टली ना कभी कभी यहाँ कारें लगी होती तब काफ़ी टफ हो जाता है, अदरवाइज़ तो ओके है। एक कार सामने लगी है वो इतना बॉदर नहीं करती, जब अगर यहाँ पर लगी हो ना तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है, बिकॉज यहाँ से सीधा बैक लेके जाना होता है। वेल, जब मैं हाईवे से आ रही थी मुझे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिला, इवन हाईवे तो बंद ही कर रखा है आधा। पता नहीं कोई बता रहा है कि यहाँ पर बहुत गंदा एक्सीडेंट हो चुका है, इस करके मॉर्निंग से ही हाईवे को बंद रखा है। कुछ खास इसका पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या एग्जैक्टली, पर जितना मुझे दिख रहा था वहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक का पीछे का गेट खुला हुआ था। सो आई थिंक ट्रक का किसी चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है, बट जो भी है बहुत ही ज़्यादा हुआ हुआ, तभी उन्होंने पूरा हाईवे लेके बंद कर दिया। सो हाईवे पूरा बंद था एंड सर्विस लाइन लेके फिर बाद में काफ़ी देर बाद हाईवे में मर्ज होना पड़ा। पता नहीं, मॉर्निंग में ही लगता है अर्ली मॉर्निंग किसी का एक्सीडेंट हुआ है। आज मुझे ना आते ही काम मिला, पहले जैसे ही मैं एंटर करा वैसे कि एक्चुअली उसने मेरा टाइम आज का थोड़ा सा लेट रखा था, 8:30 का रखा था, और 8:05 पर ही डिस्पैचर का कॉल आ गया कि हाउ फार यू आर फ्रॉम द टर्मिनल। मैंने कहा कि लाइक ये क्यों पूछ रहा है कि अभी कितनी दूर हूँ मैं टर्मिनल से, मेरा तो टाइमिंग 8:30 का है। बट फिर मुझे लगता है उसने गलती से कल मेरा टाइमिंग 8:30 आज सुबह का रख दिया होगा, बट देखना पड़ेगा, हो सकता है कल भी मेरा 8:30 का हो। बट जो अपॉइंटमेंट थी वो 9:00 की थी, सो मुझे जल्दी जल्दी आके ना एकदम ही जाना पड़ गया, और 9:00 मुझे जाकर वहाँ पर डिलीवरी करनी थी। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा था कि मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, 5-10 मिनट भी ना कि ट्रक को स्टार्ट करके ढंग से बैठूँ। मुझे इवन ट्रक को ना जल्दी पंप कर करके उसकी गैस दे दे के उसकी जो एयर थी उसे फिल करना पड़ा। सो आज का दिन ऐसे ही हुआ, स्टार्टिंग मॉर्निंग बड़ी भाग दौड़ से हुई, बट अभी ना काम उतना नहीं है। मतलब अभी मेरे को नहीं लगता कि दो पिकअप है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ होगा, बिकॉज ये दो पिकअप में ट्रक फुल हो जाएगा ट्रेलर। अभी मैं जाके डोर ओपन करती हूँ बिकॉज जो ट्रक ड्राइवर था वो जा चुके हैं, एंड ये रहे मेरे ग्लव्स। अब मैं इसके डोर ओपन करके फिर यहाँ पर बैकअप करती हूँ। अभी बैकअप करने लगी हूँ स्टार्ट में, मैंने कैमरे को तो ढंग से, फ़ोन के कैमरे को भी लगा दिया है, एंड विंडो ओपन कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे यहाँ लगानी है, बैकअप करनी है। सो ये जो रेड वाली कार है ना, इसके आगे से लेके जाऊँगी और वहाँ से पीछे ऐसे एल शेप में बैकअप करूँगी। आई थिंक इतना क्लोज ठीक है, इससे ज़्यादा तो क्या ही क्लोज करूँगी। बस इसका यही है, थोड़ा पहले से टर्न कर लो तो ठीक रहता है, बाकी ज़्यादा लेट कर रहे पे ना ये बिल्कुल ही या तो उस साइड में चला जाएगा बिल्कुल। थोड़ा पहले ही टर्न कर लिया था मैंने इसको, आप लोगों को यहाँ से भी दिख रहा होगा। लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी, यहाँ पर कार खड़ी थी, थोड़ी मुश्किल हो रही थी। साइड पर हो चुका है, लेफ्ट वाली साइड पे काफी हो गया है ट्रक, अब ठीक है, अब लग जाएगा।
गई है, बैकअप हो गई। अभी ना मैं ट्रक में बैठी हूँ और रेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज अभी कुछ खास काम है नहीं। आई थिंक आज काम कम था बिकॉज मुझे दो ही पिकअप मिली, तीसरी अभी ऐड करी है, वो कंपनी वापस जाते के रास्ते में पड़ेगी। सो मैंने कहा चलो जब तक एक घंटा आराम करती हूँ। अभी लग रहा है कि काश ये पंख वाला ट्रक होता तो मैं पीछे जाके आराम से सो जाती, बट कोई नहीं, चलो ऐसे भी ठीक ही है, रेस्ट ही है। ये मैं कंपनी वापस आ गई थी अपने ट्रेलर को ड्रॉप करने के लिए, मतलब फाइनली मेरा काम ख़त्म होने लगा था, तो मैंने कहा चलो ट्रेलर ड्रॉप करते हैं। सो उन्होंने मेरे को यही डोर दी थी, 87 नंबर समथिंग थी। सो मुझे इन दो ट्रेलर्स के बीच में लगानी थी, एंड जब मेरे को ऐसे कोई बैकअप लगाने होते हैं कि जब ट्रेलर बहुत क्लोज हो, तो मैं एस एंगल करके ही बैकअप करती हूँ। एल से भी कर सकते हैं हम, बट एल से टफ होता है जब ऐसे करके करो, सो एस इज़ बेटर। थोड़े दूर तक ले जाओ एंड वापस ऐसे लाओ तो दिखता रहता है पीछे के ट्रेलर भी। एंड मैं बैकअप करने लगी थी, बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद ट्रेलर का गेट खुल गया है या समथिंग, बिकॉज कल ना दो तीन बार ऐसे ही हुआ था कि ट्रेलर का गेट खुल गया था, बिकॉज ट्रेलर की जो कुंडी सी टाइप की है जो हुक करने का है उसको ट्रेलर के साथ गेट को ऐसे करके मोड़ के, तो वो थोड़ा सा लूज़ है, तो मुझे ऐसे था कि आवाज़ आई थी खटकी सी, तो मैंने कहा शायद खुल गया है। तो मैं पीछे जाके देखने लगी थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि ये ब्लू वाले ट्रेलर के साथ इसका कुछ भी टकराए या समथिंग, बट कुछ भी नहीं ओपन हुआ था, वो मेरा भ्रम ही था, मेरे को ऐसे आवाज़ आई थी तो मुझे लगा था। पॉइंट पर ये बहुत ही नियर हो रहा था जो लेफ़्ट साइड का ट्रेलर था उसके, सो मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करा आगे ले जाकर, और फिर ये थोड़ा सीधा हुआ। एंड मैंने इसको कोशिश करी जितना मैं इसको पैसेंजर साइड की साइड मोड़ सकूं, बिकॉज़ इधर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा था, बट अपनी लेफ़्ट साइड को ही देख कर, अपने साइड को ही देख कर बंदा बैकअप करता है कि इसके क्लोज चाहे जितना भी हो, उधर ज़्यादा क्लोज ना हो, बिकॉज़ उससे वो हिट हो जाएगा। सो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट अंदर जा चुका था, अब मैं इसको बस स्ट्रेट करने लगी थी एंड बैकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। सो ये मेरी टर्मिनल की बैकअप थी जो लास्ट, मतलब अपने कंपनी में रखने था मेरे को ट्रेलर, तो उसके बाद पंच आउट करके मैं चली गई थी। Say that I'm psychotic, but then you